ये देखेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इस बात पर कि आखिर इम्यूनिटी बेहतर कैसे कर सकते हैं, और वो लोग जिन्होंने इम्यूनिटी बेहतर करके कोरोना से बचना है, या फिर वो लोग जिनको कोरोना हो चुका है उनकी इम्यूनिटी कैसे बेहतर हो सकती है, और वो क्या डाइट ऐसी लें कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो ये हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ये आज का हमारा टॉपिक है। न्यूट्रिशनिस्ट आयशा नासिर हमारे साथ सेट पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई आपकी इस पेंडेमिक में भी, क्योंकि आपकी टिप्स जो है वो बहुत मैटर करती है, स्पेशली कोरोना से बचने के लिए भी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और खुदाना खासा किसी को कोरोना हो गया है और वो सेल्फ आइसोलेशन में है, डॉक्टर भी गाइड करने के लिए नहीं है, तो वो कौन सी ऐसी खुराक खाएं कि भूख भी बढ़े और इम्यूनिटी बेहतर हो? जी देखें, जब कोई बीमारी आती है, खुदा ना खास्ता चाहे वो कोरोना या कोई भी बीमारी आती है, तो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में जहरीला मवाद, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, जहरीला मवाद खारिज होना शुरू होता है। अगर वो जहरीला मवाद बॉडी में जमा होता रहे तो मजीद कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं और बहुत सारी मजीद बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर भी हो सकता है। हाँ, ये सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, अगर किसी को कोरोना है या नहीं भी है तो बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके नतीजे में जो जहरीला मवाद खारिज हो रहा है वो बॉडी से फ्लश आउट होता रहे। सबसे पहली चीज आती है पानी का इस्तेमाल, 8 ग्लास जरूर रखें। दूसरी चीज आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनका काम है कि ये बाइंड करते हैं उस जहरीले मवाद के साथ और उसको फ्लश आउट कराते हैं बॉडी से। इसी तरह बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स आ जाते हैं, जैसे हल्दी आ जाती है, हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें, चाहे कोरोना है चाहे कोरोना नहीं है, ये कुव्वत मुदाफा दूध हल्दी तो वैसे ही बड़ा मुफीद। जैसा हम जानते हैं किसी को चोट लग जाए पहले भी जंगजुओं को लेप करने के लिए हल्दी इस्तेमाल होती थी, एंटीसेप्टिक है। देखिए, हमारी बॉडी में कोई चोट लगी, हम उस पर कोई ट्रॉपिकल क्रीम तो नहीं लगा सकते, हम उसके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी उसको एक सूदिंग इफेक्ट देगी, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज नहीं है, वायरस के अगेंस्ट इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इटसेल्फ आपका इम्यून सिस्टम बिल्डअप होता है, स्ट्रांग होता है। आपके घर में चारों तरफ से हमला हो जाए तो आपको नहीं समझ आएगी किससे लड़ना है। इसी तरह अगर बैक्टीरिया ने भी हमला किया हुआ है, कोरोना वायरस ने भी खुदा ना खासा हमला किया हुआ है, तो फिर व्हाइट ब्लड सेल्स पे बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंटी बैक्टीरियल डाइट आपको सिर्फ इसमें हेल्प करती है कि वो बैक्टीरिया से लड़ने में, उसको ठीक नहीं करती, उससे लड़ने में मदद करती है। सो हल्दी जो है उसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, क्लौंजी बहुत अच्छी है, उसकी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। क्लौंजी 7 दाने कम से कम जरूर इस्तेमाल करें सुबह, रोजाना की बुनियाद पे, ये रोजाना की बुनियाद पे, और ये वो चीजें हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसी तरह दालचीनी बहुत अच्छी है। वुहान में जब कोरोना फैला था तो उन्होंने जो रिसर्च की थी वो ये थी कि दालचीनी उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, दालचीनी। एंड अगर किसी को इम्यूनिटी का मसला है तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा व्हाइट दालचीनी तो आप कहवे में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवे में डाल सकते हैं, बिल्कुल सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, अपने मील के ऊपर स्प्रिंकल करके ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्यूनो बूस्टर कहते हैं। विटामिन सी रिच फ्रूट हमारे पास सबसे ज्यादा अवेलेबल है आम, जितना हमें डेली विटामिन सी चाहिए उसका 70% आम के कप के अंदर मौजूद है। बेसिकली जिस तरह से आपने बताया है कि तमाम आयशा जैसे आप बता रही हैं कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वेजिटेबल हो, उसमें फ्रूट्स हो, पानी हो। अब बहुत से लोगों को आदत होती है मुरकन गजाएं, जिसमें आप प्रोटीन का कहते हैं जी प्रोटीन है, उसके बारे में क्या आप कहेंगे किस तरह लेने चाहिए डाइट, क्योंकि उससे इम्यूनिटी में कोई फर्क पड़ता है क्या, वो ताकत देती है, क्या करती है, क्योंकि रेड मीट या व्हाइट मीट दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए, जो प्रोटीन है वो हीलिंग में और रिपेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चोट लगी हुई है उसको हील करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कंट्रोल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने दूध दही छोड़ दिया उसकी जगह आपने प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, ये नहीं कि आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मैं बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही हूँ। एक तो ये वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, उनको छोड़ के प्रोटीन नहीं लेना, प्रोटीन की अपनी एक इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। देखें, दोपहर के खाने, रात के खाने में गोश्त या गोश्त से बनी हुई चीज या दालों का इस्तेमाल कर लें, नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल डेली कर लें, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपके कवर हो जाएंगे, प्रोटीन की सर्विंग भी आ जाएगी, साथ में रोटी चावल का इस्तेमाल जरूर करें, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, एक बैलेंस मील भी हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा आपका जो एम्फेसिस है वो होना चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऊपर। पूरा साल मैं कहती हूँ जूसेस ना पिए, अब मैं कहूंगी जूसेस बना के पिए ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी बेहतर हो। आयशा, अब मैं जरा आपसे आसान अल्फाज में पूछना चाहूंगी, मुझे नहीं पता किसमें कितनी विटामिन्स हैं, किसमें कितने मिनरल्स हैं, मुझे आसान अल्फाज में एक आम आदमी के लिए बताइए कि चीपर भी हो, मतलब सस्ते भी हो, ताकि वो अफोर्डेबल रहे, ऐसे कौन से फल और सब्जियां हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं इस टाइम पे खाना, नाम ले लेकर? अच्छा, सबसे पहले आ जाता है आम, जैसे मैंने पहले भी कह दिया। इसके अलावा आजकल आलू बुखारा अवेलेबल है, वो बहुत अच्छा है, आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, खून भी बनाता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खुबानी अवेलेबल है, वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, आम भी विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है।
जितनी हमारे पास सब्जियां अवेलेबल है सारी की सारी 7 कप सब्जियां आपने जरूर खानी है। अगर आप नहीं खा सकते 7 कप मतलब 7 कप देखें, कप से मुराद मेरी रिक्वायरमेंट मेरे हाथ के मुताबिक है, इतनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, इतनी उसकी वेट होनी चाहिए उस अच्छा, कप एक दिन में 7 कप एक दिन में 7 कप दोपहर के खाने रात के खाने के साथ तो सलाद सैलेड के फॉर्म में आ जाती है सालन के फॉर्म में आ जाती है, इसके अलावा पास्ता में डल जाती है, नाश्ता है अंडे में सब्जियां डालें, प्याज टमाटर पालक बंद गोभी जो सब्जी पसंद है जहां जहां पर यूज कर सकते हैं वो करें, और नहीं कर सकते तो उसी 7 कप का फ्रूट बना के वो इस्तेमाल करें। 7 कप अच्छा आपने अभी जिक्र किया है जूस में सरासर कहती हूँ लोग ना पिए अब पी रहे हैं, इसकी क्या वजह, जूस क्यों ना पिए और अब क्या ऐसा खास दिन आ गया कि अब जूस पी लेना चाहिए? देखिए जूस के अंदर हमें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हर चीज हर बीमारी से बचाती है वो है फाइबर, दिल की बीमारी है फाइबर, शुगर है फाइबर। अब जब हम जूस बनाते हैं पल्प यानी फाइबर सारा हम फेंक देते हैं बिल्कुल सही, पीछे असर वो नहीं होता जो ओरिजिनल रॉ फ्रूट नहीं होता, वो सारी की सारी फ्रुक्टोज होती है या बिल्कुल मल्टी विटामिन्स रिच होता है जूस, लेकिन सारी की सारी फ्रुक्टोज है, वजन फौरन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप एक वक्त में ऑरेंज खाते हैं, 2 खा लेते हैं, ज्यादा 3 खा लेते हैं, बेसिकली उस पे वो नहीं है, तो अब क्यों पीना चाहिए आजकल? क्योंकि उसमें फिर विटामिन सी भी उतना ज्यादा हो जाएगा, फ्रुक्टोज ज्यादा है लेकिन विटामिन सी विटामिन ए आयरन वो सब कुछ ज्यादा हो जाएगा इस टाइम पे हमें। फ्रूट वैसे भी खाएं लेकिन अगर जूस पी रहे हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि हम अब 4-4 फ्रूट बच्चे भी नहीं खा पाते, पेरेंट्स भी नहीं खा पाते, 7 कप सब्जियां भी पूरी करनी है, दिन में 2 दफा गोश्त भी लेना है, रोटी चावल भी लेने हैं, दूध भी कम से कम 2 कप लेना है, 1 मुट्ठी बादाम भी लेने हैं, इतना सब कुछ हम नहीं कर पाते, तो अब आप बेशक जूसेस बना के पिए लेकिन ताकि आपकी वो जो विटामिन की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है तो वो पूरी हो सके। आयशा जाते जाते एक मैसेज जो आप हमारी आवाम के लिए छोड़ना चाहेंगे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वो क्या होगा? न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल नेट से देख के मत करें, सना मक्की ने बहुत जिसे कहते हैं क्यामत मचाई थी, वो बेसिकली एक लेक्सेटिव थी, कोई भी आपने नेट से देख के चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, किसी ऑथेंटिक रिसर्च को पढ़ के चीजें। और अगर आपको आयशा से कांटेक्ट करना है तो आप डेफिनेटली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, शी इज ऑन सोशल मीडिया।